अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का हो रहा है वक्त और मैं आ गई हूँ इतनी गर्मी में अपने लॉन में। और गर्मियाँ क्योंकि स्टार्ट हो गई हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अपने घर से बाहर लॉन में जाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। बट मुझे क्योंकि वीडियो बनानी थी और मैं सोच रही थी कि आज आपको अपनी गार्डनिंग वीडियो दिखाऊं और दिखाऊं कि अपने लॉन में हमने क्या क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं। तो इतनी गर्मी में मैं आ गई हूँ हिम्मत करके वीडियो बनाने के लिए। तो अभी जी हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मेरा बिल्कुल भी जो है दिल नहीं कर रहा कि मैं उस साइड पर जाऊँ। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जहाँ पर थोड़ी छाँव है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस साइड पर जाऊँ, लेकिन आपको दिखाना भी है कि हमने क्या लगाया हुआ है। तो चलते हैं हम इस साइड पे। यहाँ पर जी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लंबे लंबे से क्या कहेंगे इसको, झाड़ियाँ या आई डोंट नो, तो ये लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे जो है ना डर भी लग रहा है क्योंकि आपको येलो येलो ये नज़र आ रही है ना उड़ती हुई, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैंने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं और ये अगर चिपक जाए ना तो फिर ये उतरती नहीं है और फिर इसका स्टिंग भी जो है ना वो बहुत ज़ोर का लगता है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो मैं उस तरफ जाने से ना ज़रा डर ही रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस साइड चली जाऊं। तो जी मैं डर के हो गई थी पीछे, बट वो अभी चली गई है और जल्दी से मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये वो है ना गन्ने का वो है, क्या कहते हैं इसको, गन्ना है तो उसके ऊपर स्वीट है तो उसके ऊपर जो है ना ये वाली चीज़ ज़्यादा आती है। तो अब जी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं ये पुदीने के पौधे हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा पुदीना लग गया और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि उसकी वजह से ये थोड़ा जल भी गए हैं। और जी इस तरफ हम आए तो हमारे यहाँ पर लगा हुआ है टमाटर, ये टमाटर है और इसके साथ ये बेल, आई डोंट नो किस चीज़ की है बट अभी जब इस पर कुछ लगेगा, ये भी किसी किसी वेजिटेबल की है इतना मुझे पता है, तो जब इस पर कुछ लगेगा तो पता चलेगा कि क्या है। यहाँ पर आए तो ये आम के पौधे लगे हुए हैं और फिर जी हम आते हैं इस साइड पर तो ये हमारा लेमन लगा हुआ है और लेमन की आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर लेमन जो है वो लगना स्टार्ट हो गए हैं। और जी इस तरफ जो है ये हमने लगाया है अमरूद का पौधा। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमने लगाया नहीं है, वो खुद से ही ऑटोमेटिकली लग गया पौधा। और जब वो छोटा था तो मुझे लगाना था कड़ी पत्ता जो कि वो सामने लगा हुआ है और मेरा फेवरेट है, और ये आपके नेल्स और बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए भी मुझे ये बहुत लाजमी चाहिए था। तो क्या हुआ कि ना मैं चाह रही थी कि मैं इस वाले, अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि मैं चाह रही थी कि इस वाले को जो है ना हम निकाल दें यहाँ से। अभी यहाँ पर ये हमारी लैंग्वेज में तो इसको पून कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में आई डोंट नो क्या कहते हैं, और मुझे इससे बहुत डर लगता है और मैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि मैं इनके पास ना ही जाऊँ। तो मैं आपको जो है ना वो वाला बता रही थी कि वो जो ट्री अभी बनता जा रहा है ना तो वो हमें पता नहीं था कि क्या है, तो उसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो लगना स्टार्ट हुए, जब फल लगना स्टार्ट हुए फ्रूट, तो हमारे वर्कर ने बताया कि ये अंजीर का पौधा है। तो मैं मामा ने आके मुझे बताया तो मैं कह रही थी कि, तो मैं ना मामा को कह रही ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जब मैंने एक पत्ता तोड़ा था तो इसमें से वो वाइट वाइट सा नहीं निकलता तो वो निकला था। तो मामा ने कहा कि नहीं ये अंजीर का ही है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि खुद से ही अंजीर तो नहीं लग सकती। तो अभी जो है ना मैं आपको करीब से जाके जल्दी से दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई नज़र आ नहीं रहा वो येलो वाला। तो जी ये है अंजीर और ये नज़र आई आपको, ये अंजीर लगी हुई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जी ये दूसरे पौधे हैं जिसमें हमारे पास, इसके अलावा जी ये सामने एक जामुन का दरख्त लगा हुआ है
जो कि हमने ही लगाया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जल्दी से, यहाँ पर ये देखिए आम लगे हुए हैं जो कि अब येलो होना माशाल्लाह से स्टार्ट हो गए हैं। और जब ये लगे थे ना तो उस टाइम पे यहाँ के इवन यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, इवन अगर आप सोसाइटी में भी रह रहे हो ना तो सोसाइटी के लोग भी ऐसे होते हैं जो तोड़ के फ्रूट ले जाते हैं। तो बहुत वेल एजुकेटेड लोगों की भी ये हरकतें होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। बट फिर क्या हुआ कि नीचे नीचे से उतार लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने और ये ऊपर ऊपर के अब रह गए हैं। और वो देखें ये वाले जो हैं वो ये देखें ये येलो होना स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। तो ये अभी आम बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो जी बाहर की साइड पे यही चीज़ें थीं जो हमने लगाई हुई हैं, क्योंकि लॉन इतना बड़ा नहीं है और इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो उसमें जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं वो हमने लगाई हुई हैं। और पहले हमने धनिया भी लगाया हुआ था यहाँ पर, बट वो ख़त्म हो गया तो अभी वो नहीं है। तो जी ये थी आज की गार्डनिंग की थोड़ी सी वीडियो जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया और कितनी मुश्किल से शेयर की है आपको नज़र आ ही रहा है। अब हम जी आते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर अभी इस टाइम पे हो रही है सफाई और मैं आपको दिखाती हूँ एडी। एडी जो है ना वो इनकी इसकी इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी वर्कर के ऊपर कि कैसे सफाई कर रहा है कैसे नहीं। तो अभी मैं देखती हूँ कि एडी किस साइड पर है कहाँ पर है। आई हूँ यहाँ बाहर एडी को ढूँढने, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एडी आया हुआ है और मैं उसको कब से आवाज़ें दे रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ चुप कर बैठा है और कंटिन्यूसली आवाज़ें सुन रहा है कि ये मुझे बुला रही है। लेकिन इतना चलाक है ये देखें, ये दिखाती हूँ छुप के बैठा हुआ है वो सामने, नज़र आया आपको इधर से शायद नज़र नहीं आ रहा, दूसरी साइड से दिखाती हूँ। ये जनाब यहाँ पर छुप कर बैठे हैं यहाँ पर और इनको मैं कब से आवाज़ें दे रही हूँ एडी एडी, बट मजाल है कि एडी सुन ले किसी की, देख रहा है कि मुझे आवाज़ें दे रही है। अब मासूम बन गया, ये बहुत गंदा बच्चा है। अब नींद आ गई है, नींद आ गई आपको, कैसे नशे चढ़ रहे हैं, अब एडी को नशे चढ़ रहे हैं। चलो सो जाओ, बाय 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 एडी, बाय बाय सोनू। चलें जी इसको हम सोने देते हैं यहीं पर, आराम से सो जाता है यहाँ पे। चलें जी मैंने सुबह उठ के बनाया था कहवा अपना मॉर्निंग ड्रिंक, तो वो मैंने पी लिया था। और अभी यहाँ पर मैंने एग रखा है बॉयल होने के लिए और सब हाफ एप्पल लूँगी। हाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं आ गई थी जी किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गार्लिक चिकन। तो ये मेरा अपना एडिशन है, मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज़ ऐड कर दिया है और ग्रीन चिली डाल दी है और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट एंड पेपर और एक चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब जी हम यहाँ पे चूल्हे पर रख लेते हैं पैन और इसमें हमने डाल देना है 2 टेबल स्पून ऑयल का। तो जी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल का। जी हम ऐड कर देंगे गार्लिक क्लोव्स, ये
उसके बाद जी हमने अपना मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छी तरह से पहले हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि अभी हमने इसको गलाना भी है, गलने के लिए भी रखना है। और क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाने वाले, थोड़ी सी हमने प्याज ली है क्योंकि हम यहाँ पर डाइट कर रहे हैं, तो ये डाइट वाला ही खाना है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है और बिल्कुल थोड़ी सी प्याज डाली है और गार्लिक जो है चिकन उसमें प्याज नहीं डलती, बट मैंने ये अपना एडिशन किया है और उसमें प्याज और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर ली थी। उसके बाद जी आपने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और आपने इसको हाई फ्लेम पे जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जी आपने क्या करना है कि वैसे तो हम जो चिकन बनाते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि वो आपके पास इतना टमाटर होता है और ग्रेवी होती है, टमाटर का अपना पानी जो है वो रिड्यूस होता है, तो उसमें आपका चिकन गल जाता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती पानी डालने की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो टमाटर नहीं यूज़ कर रहे और हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं हैं और हमने प्याज भी बहुत थोड़ा लिया है, इसलिए हमें यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा। इतना पानी डालेंगे हम इसमें कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इसको हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो पर और चिकन को गलने के लिए इसको कवर करके हम रख देंगे। जी मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो लो हो गई थी और आजकल मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है जब आप कोई वीडियो शूट करते हो ना इससे, तो इतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है कि बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कि एक्सप्लोड ही ना हो जाए। तो फिर मैं जो है ना वो फिर उसको रख देती हूँ साइड पे, यूज़ नहीं करती। तो फिर जी मैंने ऐसे ही क्या, इतना ज़्यादा हीट अप हो गया था और एक तो किचन में काम कर रहे थे, स्टैंड पे लगाया हुआ था तो वो और ज़्यादा हीट अप हो गया था और बैटरी भी उसकी लो हो गई थी, तो मैंने उसको साइड पे रख दिया और वीडियो आगे मज़ीद शूट नहीं की। तो जी चिकन हमारा बन के हो गया था रेडी और वो इंशाल्लाह मैं दोबारा कभी फिर से बनाऊँगी तो आपको उसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। बट क्योंकि डाइट वाला ये है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये वाला तरीका, जो जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरीके से अपना डाइट मील बना सकते हैं। और आपको गार्डनिंग की भी मैंने वीडियो दिखाई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक वे में भी हम यहाँ पे डाइट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर पे लेमन लगाए हुए हैं वो यूज़ होता है डाइट में, पुदीना लगा हुआ है, मिंट है वो यूज़ होता है डाइट में। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको जब घर पर ही मिल जाएँ तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है फ्रेश है, फ्रेश आपने चीज़ तोड़ी और उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।